भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज भिवंडी प्रांत कार्यालय के बाहर मी भिवंडी कर इस बैनर तले एक धरने का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रांत अधिकारी तो नहीं मिले, नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर महानगर पालिका में चल रहे भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, साथ ही महानगर पालिका आयुक्त की बदली को लेकर ज्ञापन दिया गया। आज जो आपने महानगर पालिका आयुक्त के आयुक्त अजय वैद्य के खिलाफ प्रांत अधिकारी को लेटर दिया, किस विषय पे दिया और इसमें क्या मांग थी आप? भिवंडी शहर में महानगर पालिका है और हम सभी महानगर पालिका के हद में रहते हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि भिवंडी शहर वालों को ही नहीं, ठाणे ज़िले को एक सम्मान मिला है कि मुख्यमंत्री हमारे ठाणे ज़िले के हैं, मगर भिवंडी शहर की हालत आप पत्रकार हैं, आपको पता है क्या है, लोग परेशान हाल हैं। ऐसे में महानगर पालिका के अंदर बड़े बड़े करप्शन सामने आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा है, आपके चैनल से भी आया, 1.5 लाख रुपये लेते हुए 3 लोग पकड़े गए कंस्ट्रक्शन के मामले में। भिवंडी शहर में अवैध कंस्ट्रक्शन की भरमार हो गई है, जब से महानगर पालिका आयुक्त आए हैं उसमें बढ़ोतरी भी हो गई है। पहले ये लोग इस तरह के अनलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने में मदद करते हैं और बाद में उसको तोड़ते भी हैं, नुकसान भिवंडी वालों का और ये अधिकारी वर्ग जो इस तरह के आते हैं करप्ट टाइप, वो पैसा लपेट कर निकल जाते हैं। इसका एक सामने आपके उदाहरण है 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख रुपये लेते हुए 3 लोग पकड़े गए थे, उसमें चौथा जिसको नोटिस थी एंटी करप्शन ब्यूरो से, वो महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद्य है। इस मामले की पूरी जाँच होना चाहिए और जाँच से पहले इनको निलंबित करना चाहिए। हम सरकार से मांग करने के लिए आज प्रांत कार्यालय आए थे कि पहले अजय वैद्य को निलंबित किया जाए और इस मामले की जांच की जाए। महानगर पालिका में सारे चार्ज इन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, इसलिए करप्शन का और बढ़ावा हो गया, इसलिए उन फाइलों की भी जांच होनी चाहिए जिस पर इन्होंने 6 महीने में सिग्नेचर किया है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आपने अजय वैद्य के खिलाफ में जो आपने ये आंदोलन किया कि उन्हें निलंबित किया जाए, तो ये विषय सिर्फ भ्रष्टाचार करप्शन को ही लेकर के है कि कुछ और भी मैटर है? नहीं, भ्रष्टाचार को तो लेकर है ही, मगर हमने प्रांत कार्यालय में पहले भी एक पत्र दिया था, सरकार से मांग की थी कि करप्शन बढ़ गया है और इनके आने की वजह से। उसके बाद हमने पदयात्रा भी की भिवंडी शहर से मंत्रालय तक, वही मांग थी कि इनकी बदली की जाए, करप्शन बढ़ा हुआ है और अब करप्शन सामने आ गया है। ऊपर से भिवंडी शहर के जो आम लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं से आते हैं या भिवंडी शहर के रहने वाले, उनकी भाजी तरकारी की दुकानें तोड़ दे रहे हैं, पनपट्टी तोड़ दे रहे हैं, आम तौर से आम इंसानों को यानी थूकने के लिए मनाइए, आपको भी पता है कि थूकेंगे 200 रुपया जुर्माना है, तो कहाँ थूके ये तो बताओ, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें हम वो तो बताओ, गाड़ियाँ उठा ली जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ आते हैं उनको जनता की जो समस्या है वो भी हल करना चाहिए, वो तो खाली अपने ही जेब भरने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। ऊपर से सब करते करते इन्होंने भिवंडी शहर के पत्रकारों को अपमानित किया पत्रकार कक्ष में ताला मरवा कर। अच्छा, एक सवाल और मेरा है कि आपने जैसा कि अभी अभी आपने अपने बयान में कहा है कि हमने पदयात्रा भी किया और आपने बाइक रैली भी आपने निकाला जी, तो आज ये आंदोलन किया, अगर मान लो इसके बावजूद भी अगर सरकार आपकी मांग नहीं पूरी की, अगले कदम आपका क्या होगा? हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उसी दिन हम यहाँ से फिर पदयात्रा शुरू करेंगे, यानी 26 जनवरी 2024 को हम फिर, या एक दिन आगे या पीछे, ये हम तैयारी में हैं। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार का लाल तेल चोट मोच दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का, भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदोस परफ्यूमर्स, बागे फिरदोस मस्जिद के पास, चौथा निजामपुर भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन। आज बात आपको बता दूं कि महानगर पालिका से जुड़ा हुआ इनका मामला है, ये भी हमारे साथ हैं, इनकी भी जो डिमांड थी आज हमने यहाँ प्रांत कार्यालय में जमा करवाया है इनके जरिए। आपका नाम? मेरा विजय भोई नाम है। आपने क्या है, आपका कौन सा ऐसा मैटर था जो पेंटिंग था आज यहाँ प्रांत कार्यालय में आपको देना पड़ा? मैं गए 10 साल से घंटा गाड़ी ठेकेदार का काम करता था, लेकिन अधिकारी और कोई कर्मचारी मेरा फसवणूक करके मुझे मेरा बिल उनके नाम पे निकाल के मेरी फसवणूक की है, उसके मामले में मैं 2 साल से लड़ रहा हूँ लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, पूरे पुरावे बुरावे सब दे के भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन पत्रकार भाइयों ने मुझे बहुत सी मदद की आज तक और आज भी उनके जरिए मैंने ये मुझे न्याय मिलेगा ये
इसमें मैंने मेरा अल्टीमेटम दिया है, तो मेरी यही मांग है कि मुझे न्याय मिले। अच्छा, मेरा एक सवाल और अभी बाकी है कि आपके इस आंदोलन में किन किन लोगों का समर्थन है? इस आंदोलन में खासकर भिवंडी शहर के पत्रकारों का समर्थन है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो भिवंडी शहर में जो इस तरह की सोच रखते हैं, करप्शन रुकना चाहिए भिवंडी में, उन सभी लोगों का।